संघर्ष लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पे जारी है। हम इस वक्त पलवल बॉर्डर पे हैं और आज यहाँ पे किसानों के समर्थन में महिलाएं आई हैं। इफ़ वी डू नॉट राइज, हम अगर उठे नहीं के बैनर के पहले ये महिलाएं यहाँ पे किसानों के समर्थन में आई हैं। और महिला किसानों, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, उनके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। मैं इसलिए आई हूँ कि जो ना किसान इतनी बारिश में जो बैठे हुए हैं, मोदी को शर्म आना चाहिए कि महिलाएं भी बैठी हैं। अब तो कुर्सी से उसे उठना चाहिए और तीनों काले कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि है ना जो किसानों पर असर पड़ेगा वो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। बच्चों पर भी असर पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में भी असर पड़ेगा। वैसे तो कहते बेटी है बच्चा बेटी है, लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं यहाँ पे जो किसानों के समर्थन में, और जो महिलाएं बैठी हुई उसको इतना शर्म आना चाहिए उसको, तो उसे ये तीनों काले कानून वापस लेना ही होगा आज। नहीं तो महिलाओं पे किस तरह से असर पड़ेगा इन कानूनों का, आपको क्या लगता है? इस तरह असर पड़ेगा उसकी, जैसे वो खाने पीने का है, लेकिन अगर किसान अगर वो खेती वेती करते हैं तो वो जितने महंगी रेट में खरीदेगा वो क्या सस्ते रेट में देगा? वो महिलाओं को देगा क्या? नहीं देगा ना, इसलिए असर पड़ेगा। जो भी है वो सारे चीज़ें वो किसान करेगा, वो अपनी कम रेट में खरीदेगा और दुगनी चौगनी रेट में बेचेगा, तो महिलाओं पर असर, तो बच्चों पर असर है। भूखे, वैसे भी कोरोना का जो हाल है कुछ पूछो मत, जो कितनी भुखमरी पड़ी हुई है, किसान तो बेचारे कितने हालातों में पड़े हुए हैं। अगर वो नहीं करेगा तो उसने क्या किया है? किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन उसको अगर अब भी शर्म नहीं आई तो उसको चुल्लू भट्टा भी पानी में डूब के मरना ही पड़ेगा। आप लोग किसानों के समर्थन में आए हैं यहाँ पे इतनी दूर से मध्य प्रदेश से, तो क्यों लगा ऐसा कि आना चाहिए? क्योंकि किसानों के में तीन कानून बना दिए गए मोदी सरकार ने और उनके समर्थन के लिए आए हम लोग। भारत का मजदूर किसान जीतेगा, किसान जीतेगा, किसान। आज यहाँ पे आए हैं महिलाएं किसानों के समर्थन में, क्या कहना चाहती हैं महिलाएं आज यहाँ पे? महिलाएं यही संदेश देने आई हैं कि किसान इस देश का अकेला नहीं है। आज इफ़ वी डू नॉट राइज कैंपेन के तहत 1500 से ऊपर जगहों पे पूरे देश में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और LGBTQ कम्युनिटीज़ भी, और जितने दिल्ली में जो 5 बॉर्डर्स पे जहाँ पे किसान बैठे हैं वहाँ पे महिला जत्थे गए हैं। हालांकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई उसकी वजह से प्रोग्राम उतना खूबसूरत नहीं हो पाया, लेकिन ये कि महिलाएं हर जगह जा रही हैं, ये डिमांड कर दें कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और अपनी आवाज़ किसानों की आवाज़ के साथ मिलाने, और ख़ास तौर से जो महिला किसान है, क्योंकि वो भी उसकी आवाज़ भी के साथ हम कहना चाहते हैं कि महिला किसान भी जो है इस पूरे संघर्ष में शामिल है और उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। जहाँ पर किसानों का कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो धरने पर बैठे रहेंगे। और आज जो महिलाएं यहाँ पे आई हैं, और साथ ही महिलाओं का जत्था अन्य दिल्ली के बॉर्डरों पे भी गया है और देश में अन्य स्थानों पे भी किसानों के साथ अपना समर्थन व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि इन कृषि कानूनों से ये भी हो सकता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ जाए और महिलाओं पे इसका सीधा असर पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर बात हो रही है महिला किसानों की भी, महिला बड़ी संख्या में किसान भी है लेकिन ज़्यादातर उनके बारे में बात नहीं की जाती है। किसानों के साथ और ख़ासकर महिला किसानों के साथ आज यहाँ पर ये महिलाएं अपना समर्थन व्यक्त कर रही हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।